बेसिक कन्वर्जन के इसी टॉपिक में आगे बढ़ते हुए अब आपको क्या, अब आपको कन्वर्ट करना है 11 घन गज को घन इंच में, या आप इसको फिर वो हिंदी है आपका तो तच्चे समझ में नहीं आया होगा आपको, तो इसको गज को बोला जाता है, गज आपका इंग्लिश में इसको बोलते हैं यार्ड। तो 11 यार्ड का क्यूब इक्वल कितने इंच के क्यूब होते हैं ये आपको देखना है, ठीक है। क्वेश्चन आपको इस तरीके से देखेंगे आप तो क्वेश्चन इजी समझ में आएगा। आप कहानी पूरी वही है पिछले वाले क्वेश्चन जैसे, जो हमने आपको पिछले बार जो क्वेश्चन बताया था बिल्कुल वैसे ही करना है आपको। तो पहले हम क्यूब की तरफ चलेंगे, फिर क्यूब आ जाएगा तो फिर दोनों तरफ 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन हमको ये पता होना चाहिए कि एक गज में, जिस प्रकार से हमने वहां देखा था कि एक इंच में आपके 2.54 सेंटीमीटर होते हैं, उसी प्रकार से आपके एक गज या एक यार्ड में कितने इंच आपके होते हैं। तो आपके एक गज में होते हैं 3 फुट। हम चाहे तो डायरेक्ट इसको यहाँ से यहाँ बता सकते हैं, लेकिन इसलिए आपको नहीं बता रहे हैं कि अगर टेक्निकल एग्जाम में कोई क्वेश्चन आते हैं आपसे पूछ लिया कि भाई एक गज में कितने फुट होते हैं, तो आप उसको ही बता पाओ। इसलिए एक गज में होते हैं 3 फुट, और एक फुट में होते हैं 12 इंच, मतलब 3 × 12 तो यहाँ पर होगा आपका 36 इंच। आप चाहे तो अलग से उसको नोट कर सकते हैं, हम आपको फिर से बताते हैं। एक गज में होते हैं 3 फुट और एक फुट में होते हैं 12 इंच, इसलिए 3 × 12 बराबर 36 इंच, इतना आपको उसमें याद रखना है। अब हम चले क्वेश्चन की तरफ, तो हमें इसमें फुट तो यहाँ कहीं पूछा नहीं है, तो फुट से कोई मतलब नहीं है हमको, हम देखेंगे गज में और इंच में। अब गज में इंच की तरफ चलते हैं, तो क्यूब लगा है आपका, तो आपने क्या किया, पहले हम इसको अब थोड़ा इंग्लिश की तरफ आते हैं, 1 यार्ड का क्यूब और यहाँ पे हो जाएगा आपका 36 इंच का क्यूब हो गया आपका, इतना आपने काम किया। उसके बाद आपको अब क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 यार्ड का क्यूब बराबर 36, मतलब इसका ये हो जाएगा 3 बार गुणा किया 1 1 1 का, तो आपका 1 ही आया है। अब यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 36 × 36 × 36, तो आपका आंसर इसका आएगा 46656 इंच का क्यूब। क्योंकि क्यूब इसलिए किया है हमने यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपको क्यूब दिया भी है क्वेश्चन में भी आपको, और आपको इसलिए 36 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपस में। इस तरीके से ये आ गया। अब कहाँ कहानी बनी अपनी, अब चाहिए 11 यार्ड में कितने इंच। तो हमने कहा था अगर 11 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो इसमें भी करेंगे, तो फिर वही हम करेंगे यहाँ पे आंसर के लिए, 11 × 1 यार्ड का क्यूब बराबर 11 × 46656 इंच का स्क्वायर। आप इसको 11 से 1 से गुणा करेंगे तो ये हो गया आपका 11 यार्ड का क्यूब, है ना, 11 यार्ड का क्यूब इक्वल ये हो गया आपका। उसके बाद अभी कितना हो गया आपका, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे आप तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आपस में आप इसको, तो इसका आंसर आएगा 5153216 इंच का क्यूब। इस तरीके से आपका आंसर आएगा। हमने यहाँ से इसको ब्रैकेट खोल दिया है इस कारण से ये है, आपको इसको चाहे तो ब्रैकेट इसको नहीं लगाएंगे तो ठीक रहेगा मेरे हिसाब से। तो इस तरीके से आपका ये इंच में कन्वर्जन हो जाएगा क्वेश्चन आपका। तो यहाँ से 11 दोनों मल्टीप्लाई करके आप, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसमें आगे चल के हम उसमें और भी कन्वर्जन देखते हैं।